हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीएसबी बैंक के बारे में और हम इस स्टॉक पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ट्रेंड की बात कर लेता हूँ। तो आपको जो स्टॉक का ट्रेंड दिखेगा वो अप ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है स्टॉक का, वो देखने को लगभग यहाँ पे मिल रहा है 295 रुपए पर रेजिस्टेंस है और स्टॉक 291 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा स्टॉक का लगभग स्ट्रांग जो सपोर्ट कह सकते हैं वो 275 रुपए के आसपास, 275 के आसपास सपोर्ट देख सकते हैं। अगर मैं और ऊपर करता हूं तो एक सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं 275 सपोर्ट, ठीक है, स्ट्रांग सपोर्ट जो है 275 रुपए है। अगर स्टॉक यहां से आपको ब्रेकआउट देता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर स्टॉक यहां से ब्रेकआउट देता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 295 रुपए के ऊपर। और अगर स्टॉक यहां से नीचे जाता है तो अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आपको स्टॉक नीचे लेवल पर देखने को मिल जाएगा लगभग 250 रुपए के। तो अभी स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। ब्रेकआउट पर खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है, और नजर बना करके रखें। अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, टारगेट बता दूं, अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा लगभग 336 रुपए का, ठीक है। तो 336 रुपए के टारगेट के लिए आप जा पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।